अहम खबर है, सीवीयू पर फंसने वाला जहाज हैंग टोंग 77 दुबई के लिए रवाना हो चुका है। 21 जुलाई को जहाज इंजन फेल होने के बायस सीवीयू पर आ गया था। 3 माह गुजरने के बाद जहाज को रवानगी की इजाजत दी गई। 7 सितंबर को जहाज को सीवीयू से टग ओवर क्रेन शिप के जरिए निकाला गया। तो अब आपको बता रहे हैं, सीवीयू पर फंसने वाला जहाज दुबई के लिए रवाना हो चुका है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शहरियार जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, आगाह कीजिएगा। देखिए, जैसे आपने बताया कि 21 जुलाई को ये हैंग टैंग नामी जहाज इंजन फेल हो जाने की वजह से और तेज लहरों के बाईस सीवीयू के साहिल पर आके फंस गया था। तकरीबन 1.5 माह की कोशिशों के बाद और काफी सख्त कोशिशों के बाद 7 सितंबर को ये जहाज क्रेन्स की मदद से निकाला गया था। लेकिन जब ये जहाज निकाला गया तो ये समंदर में सफर करने के काबिल नहीं था। इसके इंजन फेल हो चुके थे तो ये कराची पोर्ट पर इसको लंगरअंदाज कर दिया गया था। पहले इस जहाज को मैकेनिकली फिट किया गया, फिर इसके बाद इसको मरीन मर्केंटाइल डिपार्टमेंट ने पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट इश्यू किया। इस जहाज ने केपीटी को और दीगर इदारों को तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की रकम अदा की वो जहाज को निकालने की मद में और केपीटी पे जो जिस बर्थ पे खड़ा था उसकी फीस की मद में। और अब ये जहाज तमाम अपने कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद आज दुबई के लिए रवाना कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शहरियार, आपने अपडेट किया।